हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की एक बेहद ही फेमस डिश लेकर आई हूँ, जो कि कांगड़ी धाम की एक फेमस डिश है। आज मैं बनाने वाली हूँ छुआरे का रायता, जिसको कि हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े फंक्शन में बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप छुआरे। सबसे पहले हम इनको बॉयल करेंगे। हमें इनको अच्छा सॉफ्ट होने तक बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद हम इनको हल्का सा दरदरा टाइप का ग्राइंड करेंगे। छुआरे का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई गैस के ऊपर रखेंगे और उसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ पर मैंने ली है सूखी लाल मिर्च 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 पिंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़े से लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे और हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसे ही ये हल्के से ब्राउन होंगे, हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लेंगे। सारे मसालों को हल्का सा हम भूनेंगे। जैसे ये हल्के से ब्राउन होंगे, हम इसमें डालेंगे दही। यहाँ पर मैंने 2 कप दही लिया है। इस बात का ध्यान रखें, यदि हम 1 कप छुआरे लेते हैं तो 2 कप हमें दही लेना है। इस रेसिपी के अंदर टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक किसी भी चीज का यूज नहीं होता है। थोड़ी सी हम इसके अंदर राई डालेंगे। अब इसमें डालेंगे ग्राइंड करे हुए छुआरे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। इसकी ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। इसको पकाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। खट्टा मीठा छुआरे का ये रायता बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो ये लीजिए, छुआरे का रायता हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, ये बेहद ही टेस्टी बनती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।